नमस्कार, जीएस डेली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेबी कॉर्न मंचूरियन बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बेबी कॉर्न मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेबी कॉर्न 200 ग्राम, मैंने इन्हें टुकड़ों में काट लिया है, आप इसे अपने पसंद के किसी भी आकार में काट सकते हैं, एक प्याज कटा हुआ, एक शिमला मिर्च कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, एक छोटा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च कटी हुई, चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, एक चम्मच चिली सॉस, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर, नमक स्वादानुसार, दो बड़े चम्मच मैदा, दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और तेल बेबी कॉर्न तलने के लिए और मंचूरियन का सॉस बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक बर्तन में मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैंने यहाँ चौथाई चम्मच नमक इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से तले हुए बेबी कॉर्न का कलर बहुत अच्छा आता है, जिससे इसमें फूड कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और लगभग चौथाई कप पानी डालकर इसे मिलाकर हम बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर ना ही बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा। इसमें पानी की मात्रा को आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अगर बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा और पानी मिला सकती हैं। आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकती हैं। तो अब हमारा बैटर तैयार है। अब इस तैयार बैटर में हम बेबी कॉर्न के टुकड़ों को डालेंगे और इस पर बैटर लगाकर हम इसे तेल में गोल्डन होने तक तल लेंगे। तो तलने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें बैटर में लपेटे हुए बेबी कॉर्न के टुकड़े को एक एक करके डालेंगे। कॉर्न को तलते समय गैस की फ्लेम मीडियम या लो पर ही रखें, इन्हें बहुत हाई ना करें, नहीं तो ये ऊपर से तो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगी पर अंदर से कॉर्न कच्चे ही रहेंगे। तो अब हमारा कॉर्न अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमारे सारे कॉर्न तलकर तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पैन में दो चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च डालकर इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे।
अब हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस टोमेटो सॉस, सॉस की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा या घटा भी सकती हैं। और विनेगर डालकर मिलाएंगे। अब हम इसमें तले हुए बेबी कॉर्न को डालकर मिलाएंगे। बेबी कॉर्न को मिलाने के बाद अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हमारा बेबी कॉर्न मंचूरियन बनकर तैयार है। आप इस पर स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल करके भी इसे सर्व कर सकती हैं या इसे ऐसे भी सर्व कर सकती हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव और सुझाव मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और मेरी इस रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी और भी रेसिपीज देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।